पानी जीवन की एक अहम जरूरत है, काफी हद तक जीवन का पर्याय है पानी। लेकिन पानी और जीवन के बीच एक विचित्र रिश्ता है। यदि पानी स्वच्छ मिले तो अमृत है, और यदि प्रदूषित मिले तो जहर है। दूसरी मुख्य बात यह है कि संरक्षण के नियमानुसार पानी को ना ही निर्मित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। अतः पृथ्वी पर पानी की मात्रा निश्चित है, लेकिन मनुष्य की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति पानी की खपत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है, इसे संभाल कर रखना और इसका उचित उपयोग करना जरूरी है। एक बात और कि यदि हम अशुद्ध पानी के शुद्धिकरण की व्यवस्था कर लें तो हम पानी की समस्या का समाधान कुछ हद तक कर सकते हैं। इस संबंध में इंदौर में कुछ सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर शहर हर क्षेत्र में परिपूर्ण है, फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर उद्योग हो। इंदौर को भारत का व्यावसायिक केंद्र भी कहते हैं, जो कि 22 डिग्री 43 उत्तर तथा 75 डिग्री 32 पूर्व में स्थित है। यहाँ लगभग 900 मिलीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है और इंदौर शहर में 16,800 हेक्टेयर क्षेत्र समाहित है। 1991 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ की जनसंख्या 11,04,000 है और 2013 तक संभवतः जनसंख्या 24,50,000 होगी। इंदौर शहर का घरेलू बेकार पानी और औद्योगिक कचरा शहर की खान नदी में मिलता है। खान नदी इसी गंदगी से पूरी तरह त्रस्त है। इस नदी में प्रतिदिन घरेलू बेकार पानी 3,200 गैलन और औद्योगिक रासायनिक पानी 2,400 गैलन आता है। इस शोध केंद्र की जगह कबीट खेड़ी है, जो कि खान नदी के बहुत ही समीप है। इसी में इंदौर शहर के 11 नाले आकर मिलते हैं। सबसे पहले इस गंदे पानी को एकत्र करते हैं और यहां से पानी को प्लांट के इनलेट चैम्बर में पाइप के जरिए लाते हैं। सिर्फ पाइप से प्लांट तक पानी लाने में ही बिजली का उपयोग होता है। इस गंदे पानी को इनलेट चैम्बर में इकट्ठा करते हैं, फिर इसे स्क्रीन चैम्बर में से पास कराते हैं। इसमें कचरा और पॉलिथिन स्क्रीनिंग के द्वारा अलग हो जाते हैं। इसके बाद ग्रिड के द्वारा ज्यादा बड़ा कचरा अलग हो जाता है और बारीक कचरे के लिए नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी में बचा हुआ कचरा काफी मात्रा में अलग हो जाता है। इस ग्रीनिंग करने के बाद उससे जो फाइन मटेरियल जो 6 mm से भी जो मटेरियल रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं, उस जाकर के सेटल होते हैं अपना ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर में वहाँ सेटल होते हैं, उसके बाद क्लासीफायर के द्वारा उसको भी हम लोग नीचे ड्रेन कर लेते हैं। उसको पहले उसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, वो ब्लेड क्या करते हैं कि एक तरफ क्लासीफायर को ले जाता है और क्लासीफायर उसको धीरे धीरे मूव करके नीचे ड्रेन कर देता है। उसके बाद वो जो सीवेज है वो जाता है डिवीजन बॉक्स में। इनलेट पे एक डिवीजन बॉक्स है, उसमें 4 chambers हैं। वो 4 chambers के द्वारा 4 divisions में जाता है और उस डिवीजन बॉक्स के बाद फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर आ जाता है वो फीड बॉक्स में। हमारे यहाँ 6 reactors हैं और उन 6 reactors में एक reactor में 8 feed box है और उस 8 feed box से 14 pipelines गए हैं नीचे। इसके इस पूरे रिएक्टर को कहते हैं UASB, जिसको कहते हैं ऑफ फ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट। इसके बाद इस पानी को एक अलग टैंक में घंटों रोटेट या घुमाया जाता है। हवा के कारण उसमें बहुत ज्यादा झाग निकलता है, जिससे 7 बची हुई गंदगी भी बाहर निकल जाती है। ये प्रक्रिया घंटों चलती है। अब इसके बाद पानी को आयताकार लगभग
100x100 एरिया के होद में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर इस पानी को लगभग 2 दिन तक रखते हैं, जिससे पानी के अंदर की अशुद्धियाँ, मिट्टी और बारीक कण नीचे बैठ जाते हैं। फिर पानी को एक बड़े तालाब में पहुंचाया जाता है, जहाँ पर एक सुनिश्चित रास्ता होता है, जिसमें पानी अपने आप बहुत ज़्यादा दूर तक घूमता है और हवा के कारण ये पानी और भी शुद्ध हो जाता है। इस तालाब में ये प्रक्रिया 2 दिन तक चलती है। इस तरह से इन सब प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ पानी पीने लायक तो नहीं बन पाता, पर इसका इस्तेमाल हम सिंचाई और गृह निर्माण तथा सड़क निर्माण के लिए कर सकते हैं। इस तरह से इंदौर शहर पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए योजना में प्रयासबद्ध है। यदि इस तरह के प्रयास भारत के अन्य प्रदेशों में भी किए जाएं, तो पानी की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है और पानी की कमी की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। जहां इंदौर नगर निगम पीने के पानी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं आम जनता व सामाजिक संगठन भी यदि इस प्रयास में लग जाएं, तो पीने के पानी को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। We human beings